नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जब महाराष्ट्र राजनीति की हम बात करें तो सबसे पहले उसमें उद्धव जी का नाम सबसे पहले आता है। उद्धव जी ने कोंकण दौरा जो है कई सभाई ली कोंकण दौरा के दौरान, और जो है वहाँ से वंदे भारत ट्रेन करके अपनी दौरा समाप्त करते हुए मुंबई पहुँचे, और यहाँ आने बाद और सभा में भी उन्होंने यही कहा कि हम जो है हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है। मतलब उन्होंने इस तरह से इमोशनली शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमको, हमने जो है एनडीए छोड़ा नहीं है, हमको एनडीए से निकाला गया। उन्होंने सारा ब्लेम जो है मोदी जी के ऊपर लगाया कि मोदी जी ने हमको जो है एनडीए से निकाल दिया है और हम जो है भटक रहे हैं, आप लोगों का समर्थन की ज़रूरत है। इस तरह से इमोशनल जो खेल खेला है उन्होंने, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आखिर में 2019 में गलती किसकी थी, मोदी जी की गलती थी कि अमित शाह की गलती थी कि या उद्धव ठाकरे जी की? सर आप क्या मानते हैं सर इस पर? पहले आप क्या मानते हैं, बाद में अनिल दत्ता क्या मानते हैं? देखो सर, ये टाइटल है अमीन वे पंतप्रधान मोदी ने हमारा दूर साथ लगा, ये चिपुण की सभा का उनका रिपोर्ट है। उन्होंने बोला है कि हमने उनको कभी शत्रु माना नहीं, उनको पाठिंबा दिया और उनको पंतप्रधान होने में हमने ही मदद की, बाद में उन्होंने हमको दूर कर दिया, ऐसा उन्होंने बोला। जी जी, तो ये जो बोलने का अर्थ क्या समझते हैं आपको, क्या इससे पब्लिक, आप मुझे पब्लिक, पब्लिक नहीं समझ रही क्या हुआ है? आप बोलो, पब्लिक को नहीं मालूम क्या हुआ है? आप पहले बंद दरवाजे के अंदर क्या हुआ, पहले सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब ये है कि क्या मोदी जी का फोन उस समय आया था वहां पर कि आप जो है गाड़ी बनाओ? क्या मोदी जी का फोन आया था कि मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाने कहा था, मैं अब नहीं बनाऊंगा? तो ये मोदी जी पर क्यों ब्लेम कर रहे हैं सर? 2019 का डिसीजन किसने लिया था आप बताइए? 2019 में उन्होंने यही आरोप लगाया कि हमारा मुख्यमंत्री पाइजे, बंद दरवाजे में बात हुई थी अमित शाह जी से। अमित शाह जी आज भी वो चिल्ला के बोलते हैं, जब भी महाराष्ट्र में आते हैं तो उनका वक्तव्य यही रहता है कि भले कोई सब विषय बाजू में, लेकिन वो एक कमेंट जरूर करते हैं कि बंद दरवाजे में क्या बात हुई थी, ये क्यों बोल रहे हैं, इसकी बात जानकारी क्यों, मतलब क्या बात हुई? हाँ, मगर वो तो बोलते हैं, मैंने बोला था यहाँ तक कि शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उनका भी पहला स्टेटमेंट यही था कि जो बंद दरवाजे की बात हुई थी पूरी तरह से गलत है। सर बंद दरवाजे में अगर बात करना, बंद दरवाजे में बहुत कुछ बात होती है, क्या सार्वजनिक होनी चाहिए वो? सर उसमें ऐसा था कि मुख्यमंत्री होने की बात नहीं हुई थी, आधा आधा करेंगे ऐसी हुई थी, तो ये पहला आधा मांग रहे थे। उसमें पहला आधा मुख्यमंत्री पद हमको दो, और वो चाहते थे कि भाई फडणवीस अभी मुख्यमंत्री है, उसको कंटिन्यू करेंगे, बाद में तुमको दो। उसके ऊपर उनका झगड़ा हो गया था। इसे मोदी जी कहां से आ गया कि मोदी जी बोले कि भाई तुम जाओ यहां से, हमको तुम चाहिए ही नहीं? सर ऐसा बोले तो है, बोले तो नहीं है। अच्छा, कैसे है ना कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये नेचुरल अलायंस था। बिल्कुल, आप 25 साल तक अलायंस चला सर, दोनों की एक दूसरे जरूरत थी। मैं नहीं बोल रहा कि बीजेपी की वजह से शिवसेना चली, वो स्टेबल गवर्नमेंट होती थी और ये सब महायुति का झगड़ा, ये वो सर 2.5 साल महाराष्ट्र का सरकार, मतलब एक तो कोरोना काल, ऊपर से सर इस तरह के महाविकास आघाड़ी में खिचड़ी सरकार ने जो है पब्लिक ऐसी वाट लगाई है कि आज मुंबई जो है कितना पीछे चला गया, महाराष्ट्र कितना पीछे चला गया। सर आप मानते हो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मोदी जी है। नहीं नहीं सर, कैसे है ना कि उद्योग को नहीं लेना जी सरकार में और उसको मजबूर करना शरद पवार के साथ जाने में, इसमें अमित शाह का हाथ है। इसका अमित शाह का, क्योंकि 8 दिन तक उद्धव ठाकरे ने क्या किया, डबल गेम किया। उन्होंने एक तरफ शरद पवार को भी बोल दिया कि हम आपके साथ आ सकते हैं, और उसी समय इनको बोल दिया कि हम अगर हमको मुख्यमंत्री करते हैं तो आपके साथ रहेंगे। तो उन्होंने डबल गेम किया जी, तो अमित शाह ने ट्रिपल गेम कर दिया कि भाई उनको फोन ही नहीं किया। वो सर ऐसा जरा सी आहट होती है तो ये दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं है ना, गाना एक बिल्कुल हा? तो उस गाने की तरह ये ऐसा फोन के पास बैठ के देख रहे थे कि अभी अमित शाह का फोन आएगा, अभी आएगा, बोलेंगे हाँ ठीक है पहले 2.5 साल तुम रहो बाद में हम रहेंगे। तो अमित शाह ने फोन ही नहीं किया, और फोन क्यों ही किया? उनको ऐसा लगता था कि शिवसेना के पिछवाड़े में दम ही नहीं है उद्धव के कि वो कांग्रेस के साथ जाएगा। हाँ, और कांग्रेस उनके साथ जाएगी ये तो उन्होंने बहुत भी नहीं सोचा था। सोचा भी नहीं।
कि इनको मजबूरी है, जाते कहाँ है, कहाँ जाएंगे, आएंगे, ऐसा सोच के वो 8 दिन फोन भी नहीं किया उन्होंने। और संजय राउत की वजह से राहुल और सोनिया मान गए, चल पवार की वजह से भी मान गए कि चलो एक साथ आते, क्या पड़ी है। कांग्रेस का तो एक ही सिद्धांत था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आए उसके लिए क्या करना है हम करेंगे, बस उनका एक ही टारगेट। हाँ, तो ये मंत्रिमंडल से कोई ये नहीं था, बाकी सर शुरू में तो वो मंत्रिमंडल में आने वाले नहीं थे, वो बाहर समर्थन करने के। हाँ, मगर ये लोग बोले कि हम छोड़ के जाएंगे। हाँ, अशोक चौहान हो गए। हाँ, सरकार करके इधर आए, सरकार फायदा क्या फिर इसके लिए आए। तो सर कैसे है ना कि इसमें इसका दोष इतना ही है कि पहले 2.5 साल के लिए इसने एम्फसिस किया। आपको क्या लगता है सर, बीजेपी को दे देना चाहिए था 2.5 साल? देना चाहिए था, देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल रहे ना फडणवीस, हो गया ना जी, तुम्हारा खाना पीना हो गया, तुमने थाली खा ली, हाँ, तो अभी 2.5 साल इनको दे दो, बाद में 2.5 साल दे दो ना फडणवीस को। या तो ऐसा करते थे, अलायंस करते ही नहीं, अपना अकेले अगले चुनाव लड़ लो, जिसको जो समझ में आया करो। नहीं नहीं, चुनाव की बात की बातें जी, चुनाव तो दोनों ने मिलकर लड़ा था, और 2014 मेजोरिटी था ही, 2014 में जैसे चुनाव लड़े थे ये लोग, दोनों अलग अलग लड़े थे, बाद में एक हुए, 2 महीना बिना शिवसेना के बीच का सरकार, तो वैसे कंटिन्यूस रखना चाहिए था, फिर ऐसे मामला ही सामने नहीं आता था। नहीं, उसमें दम नहीं था, एक साथ लड़े थे उस समय, एक साथ लड़े नहीं थे जी, 14 में अलग लड़े थे करके वो एनसीपी के समर्थन से सरकार बचा के। वही बोला ना, तो हर को अपना जो ताकत थी उसने दिखा दिया। नहीं नहीं, मेरे को इसमें सर हमेशा अंदर से आवाज मेरी ये आती है कि उद्धव ठाकरे को पहले 2.5 साल दिए थे तो आगे की नौबत नहीं आती थी, और शिंदे भी फूटते नहीं, बिल्कुल फूटते, सब साथ में रहते थे। तो गलती सर मुझे लगती है कि मोदी और शाह की है, उन्होंने अहंकार ले लिया। अगर वो बीच बचाव किए होते तो शायद ऐसा नौबत नहीं आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक शाह जी का फोन जाता था, सेटल हो जाता था मामला, और बैठ के सुलझाया जा सकता था, बैठने की जरूरत नहीं, एक फोन पे होता था। सर दूसरी बात ये इसमें ऐसी है कि इसका ये जो बोलना है ये डेंजरस है। क्या? कि पंतप्रधानांना आम्ही शत्रु मानले नाही, ये एक मैसेज उनको मोदी को दे रहे हैं कि हम आपके शत्रु नहीं है। दूसरा मैसेज वो दे रहे हैं कि आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला, मतलब हम उनके विरोधी नहीं है, पंतप्रधान बनण्यास आम्ही हातभार लावला पण त्यांनी आम्हाला दूर सारले। सो इसमें ये मैसेज है कि आपने दूर किया है हमको, आप पास भी ले सकते हैं चाहो तो, अगले चुनाव के बाद अगर आप चाहते हैं तो हम मिलेंगे। मतलब लोकसभा चलो किसी तरह हो जाए, विधानसभा में मिल सकते? नहीं, विधानसभा मिलना है नहीं मिलना है वो बात की बात है, चुनाव जीतने के बाद अगर आप हमारे साथ समझौता करने की तैयारी करते हैं विधानसभा के पहले, चुनाव के पहले, तो हम तैयार हैं। सर ये एक प्रकार से सफेद निशान बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं पांडव निशान फड़कोल, ये सफेद निशान उन्होंने दिखा दिया है मोदी साहब को। मोदी साहब के ऊपर टीका की है मगर ये भी बोला है कि हम शत्रु मानत नहीं, हमें तुम्हारा पाठिंबा दिला, तुम्हारा पंतप्रधान केला, तो बदले में आपने हमको क्या दिया, मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, इन्होंने दिया, तो अभी आप अगर चाहते हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद, अभी तो नहीं होगा मगर आप हमसे पैचअप कर सकते हैं, ये मैसेज दिया। मैसेज दिया तो क्या मैसेज जवाब क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? सर कैसे है ना कि शिंदे साहब को नाराज करके मोदी और शाह कोई निर्णय नहीं लेंगे। बहुत बड़ा बात है, उनको नाराज नहीं करेंगे, शिंदे साहब से उद्धव ठाकरे को पहले बोलेंगे पैचअप करो, उनसे पैचअप करो, उनकी सम्मति लो, और मुख्यमंत्री वो रहेंगे, शिवसेना के रहेंगे। संभव है? संभव है शिंदे साहब? हाँ? सर अगर लोकसभा में उनको जितनी जगह दी जाएगी उसमें से अगर आधी भी नहीं मिली तो संभव है, मैं जो भी संभव है लोकसभा के बाद। यस, मेरे लिए तो आपको क्या लगता है सर कि आगे की राजनीति के लिए हिंदुत्ववादी के लिए साथ में आना चाहिए शिवसेना बीजेपी को? जी शिवसेना मतलब उबाठा सर, आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ना हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू वोट बटना नहीं चाहिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ही थे जी, शिंदे नहीं है, बाला साहब। तो शायद राज साहब भी, उनकी भी हिंदुत्व पार्टी है, राज साहब की पार्टी कोई हिंदुत्ववादी नहीं, वो राजवादी है, राज साहब का ही राज है उसमें, वो हिंदुत्ववादी वगैरह कुछ नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइजिंग। सर वोट तो बट ही रहा है ना सर, हिंदू का मराठी आदमी का बट रहा है,
फिर आज साहब क्या है, हिंदू आइडेंटिटी क्या है बताओ, एक बताओ कि जिसके लिए उनको हिंदू बोलेंगे। शिवसेना के पार्ट है ना वो भी। कौन? नहीं लगता आपको मन से? हाँ, मराठी आदमी का पार्ट है तो मराठी मराठी मानुस हिंदू नहीं है? मराठी मानुस करके अलग होता है, हिंदू करके अलग होता है। वो हिंदू करके बीजेपी के साथ रहेगा, मराठी करके मनसे के साथ रहेगा। वो बोलेगा कहीं मनसे की जो क्षमता योग्यता पात्रता वगैरह 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 है वो महापालिका के लिए अच्छी है, विधानसभा लोकसभा के लिए नहीं है। नहीं, इसीलिए तो उनका पिछली बार भी एक ही चुन के आया, वो भी खुद के ताकत पे आया राजू। वो मानते ही नहीं है कि ये राज्य या राष्ट्रीय पार्टी है, वो उनको यही समझ, वो लोकसभा लड़ेंगे जी सर, अभी मैं बेट लगाता हूँ एक भी जीत नहीं पाएंगे लोकसभा की, एक भी नहीं। और विधानसभा में भी तो आज तक कहाँ जीते हैं लोकसभा एक भी? भले भी चुनाव लड़े हैं, कहाँ जीते हैं? हाँ, हराने काम किए उन्होंने, वही काम करना है उनको। कांग्रेस की 5 सीटें आई मुंबई में है ना, उस समय उनको हराना था सिर्फ मनसे की वजह से। हाँ, बीजेपी एक भी नहीं आई। नहीं आई इस समय, शिवसेना और इनकी खराब करेंगे वो जी। हाँ, तो शिवसेना मनसे हिंदू पार्टी नहीं है, मराठी मनसे पार्टी। मुझे ऐसा लगता है सर कि मनसे और उगाठा दोनों मिल के पहले अपनी ताकत बनाए और उसके बाद बीजेपी के साथ जुड़े। नहीं, राजा और उद्धव एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। राज ठाकरे बोलते इतना अविश्वसनीय आदमी ने उद्धव जैसा है, ऐसा बोलते वो आम मत लो उसका, उन्हें एक साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन उद्धव जी जो है इन फ्यूचर एनडीए में, ये अभी 15 निशान तो दिखा है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कम से कम मेरे ऊपर ईडी मत डाल। धन्यवाद। तो इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या चाहते हैं आपकी शिवसेना और जो बैठा है और बीजेपी के साथ अगर आना चाहती है तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लोकसभा चुनाव में हो चाहे आगे, अभी आगे 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में, अगर ऐसी है तो आप प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।